नीतू चंद्रा, इस अभिनेत्री का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जिन्होंने साल 2005 में आई फिल्म गरम मसाला के माध्यम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें अक्षय कुमार जॉन अब्राहम लीड रोल में हमें देखने को मिले थे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में नीतू चंद्रा को लेकर के कुछ अपडेट्स आए हैं उनके लाइफ से जुड़े, जिसको सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। वैसे तो नीतू चंद्रा ने बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ काम किया है, जो कि अवार्ड विनिंग एक्टर है। उनके साथ में नीतू चंद्रा ने काम किया है, कई सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन दोस्तों आज नीतू चंद्रा के हालत काफी खराब है, यानी कि नीतू चंद्रा को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है और काफी वो परेशान नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर अभी नीतू चंद्रा ने इस बात का खुलासा किया है कि वो कई सुपरस्टारों के साथ काम करने के बावजूद, कई अच्छे अच्छे फिल्मों में काम करने के बावजूद आज उनको काम नहीं मिल रहा है। आज बॉलीवुड में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि नीतू चंद्रा को बॉलीवुड में काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब दोस्तों, इसी कड़ी में नीतू चंद्रा ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल बीते दिनों एक बिजनेसमैन ने नीतू चंद्रा से संपर्क किया, उसकी डिमांड थी, यानी कि बिजनेसमैन का कहना था कि नीतू चंद्रा 25 लाख रुपए ले लो और भाड़े की बीवी बनके रहो, यानी कि मंथली वो 25 लाख रुपए देगा, जिसके लिए नीतू चंद्रा को उसकी बीवी बनकर के रहना पड़ेगा, यानी कि भाड़े की बीवी। अब दोस्तों, इस खबर सुनने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं नीतू चंद्रा को लेकर के। तो वाकई ये चौंकाने वाला बयान है कि यार 25 लाख रुपए में कोई औरत किसी की बीवी कैसे बन सकती है, यानी कि भाड़े की बीवी कौन बनना चाहेगी ऐसी औरत। लेकिन हाँ, नीतू चंद्रा ने ऐसा खुलासा किया है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, इस प्रकार के ऑफर आए हैं बिजनेसमैन की तरफ से। फिलहाल दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, नीतू चंद्रा के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें।